मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग हुई, मतदान हुआ। मतदान के बाद कांग्रेस और बीजेपी ईवीएम मशीन की रखवाली करती हुई दिखाई दी। इसी बीच बता दें कि इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने एक पत्र जारी किया सोशल मीडिया साइट पर और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से वो परमिशन मांग रहे हैं कि उन्हें ईवीएम के बाहर रखवाली निगरानी करने की परमिशन दी जाए, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली। आपको बता दें कि ये पत्र जब सोशल मीडिया पर संजय शुक्ला ने डाला तो ये पत्र तेजी से वायरल हुआ। क्या कुछ कहा संजय शुक्ला ने, एक बार आपको बताते हैं। बता दें कि संजय शुक्ला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मेरे द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी से दिनांक 18 नवंबर को एक आवेदन के माध्यम से मतगणना स्थल पर ईवीएम स्ट्रांग रूम पर निगरानी करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए परमिशन मांगी गई थी। प्रशासनिक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आज तक ये परमिशन मुझे नहीं दी गई है। मेरे विरुद्ध प्रशासन का तानाशाही और असहयोगात्मक रवैया की मैं निंदा करता हूँ। संजय शुक्ला का ये पत्र काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद जिला निर्वाचन आयोग एक्शन में आया और संजय शुक्ला जो मांग कर रहे थे वो मांग संजय शुक्ला की मान ली गई। इसकी जानकारी भी खुद संजय शुक्ला ने दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे द्वारा दिनांक 18 नवंबर को एक आवेदन के माध्यम से मतगणना स्थल पर ईवीएम स्ट्रांग रूम पर निगरानी के लिए अपने कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में जो परमिशन मांगी गई थी, उस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सख्त निर्देश जारी करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आज मुझे अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि संजय शुक्ला ने यह पत्र 21 नवंबर को जारी किया था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग एक्शन में आया। संजय शुक्ला को फिलहाल स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी की परमिशन मिल चुकी है। आपको बता दें कि संजय शुक्ला का मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ है। दोनों ही पार्टीज जो हैं वो स्ट्रांग रूम में ईवीएम की निगरानी रखवाली करते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है, वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती दिख रही है। हालांकि सभी को इंतजार 3 दिसंबर का है, जब मतदान के नतीजे आएंगे, लेकिन तब तक कांग्रेस और बीजेपी स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी पहरेदारी करते हुए दिखाई दे रही है। एमपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रही एमपी तक के साथ।